बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ईद के दिन हर घर में बनता है मीठे शेवई का जर्दा। बच्चों से लेकर बड़ों को पसंद आता है और इसको टाइम भी नहीं लगता बनाने में। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम बारीक शेवइयाँ, ये पहले से भुनी हुई आती है। अब एक पतीले में 2 चम्मच हम घी डालेंगे। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। घी गर्म हो चुकी है, अब इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे, रोस्ट कर लेंगे हम हल्का सा। ज़्यादा लाल नहीं करना है हमें, हल्का सा क्रंचनेस आने तक हम भून लेंगे ड्राई फ्रूट को। और ड्राई फ्रूट को निकालेंगे, उसी घी में हम 1 कप पानी डाल देंगे, बड़ा कप पानी है ये। 1 कप शक्कर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा फूड कलर डाल देंगे। अब इसमें दरदरे से पिसी हुई इलायची डाल देंगे। पानी को थोड़ा गाढ़ा होने देंगे, हल्का सा शक्कर का पानी थोड़ा गाढ़ा होने लगे तब इसमें हम सेवइयाँ डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। ढककर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे फिर से। ये देखिए खिले खिले और नरम है। अब गैस को बंद करेंगे, इस पर ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ड्राई फ्रूट को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब तैयार है मीठी सेवई का जर्दा, अब सर्व करेंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।